हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम नर्सिंग केयर प्लान फॉर डायबिटीज मलाइटस, जो पेशेंट होता है उसके ऊपर नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो है आइडेंटिफिकेशन डाटा, आपको पता ही नॉर्मल जो पूरा है हमारा चलता है, सभी एनसीबी में सेम ही करते हैं, जैसे कि नेम हो गया। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन डाटा आपको लिखना ही है, नेम हो गया, एज हो गया, एड्रेस हो गया, एजुकेशन हो गया, ठीक है, ऑक्यूपेशन क्या वर्क करता है, रिलीजन हो गया, मैरिटल स्टेटस हो गया, एंड डेट ऑफ एडमिशन, हॉस्पिटल में किस डेट को उसका एडमिशन हुआ वो डेट लिखेंगे। इसके बाद आईपीडी नंबर, पेशेंट का जो इन डिपार्टमेंट जो पेशेंट होता है, ठीक है, इन पेशेंट डिपार्टमेंट का जो नंबर होता है हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग एडमिशन लेता है, तो वो हम नंबर इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, वो हमको यहाँ पे मेंशन करना है। अब हमारा मेन है डायग्नोसिस। मेन हमारा डायग्नोसिस क्या है? डायबिटीज मलाइटस। ठीक है, मेन हमारा डायबिटीज मलाइटस जो है इसका डायग्नोसिस है। अब चीफ कंप्लेंट, चीफ कंप्लेंट क्या होती है? जो पेशेंट का कंप्लेन होती है, या इस एक तरह से हम इसको साइन एंड सिम्टम भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया एंड पॉलीयूरिया, आपको इसका अर्थ पता होगा, नहीं पता हो बता देते हैं। पॉलीडिप्सिया मीन्स आपको पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा प्यास लगेगी। पॉलीफेजिया, फेजिया मीन्स पेशेंट को ज्यादा भूख लगेगी। और पॉलीयूरिया मतलब पेशेंट को ज्यादा यूरिन आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या है, इसके अंदर चीफ कंप्लेन होता है। अब मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री में क्या है, परजेंट मेडिकल हिस्ट्री या सर्जिकल हिस्ट्री जो भी है वो इधर मेंशन करेंगे हम। ठीक है, यदि पास्ट मेडिकल एंड सर्जिकल कोई हिस्ट्री है तो वो भी हम इसके अंदर मेंशन करेंगे। अब सोशल स्टेटस, सोशल स्टेटस जो होगा पेशेंट का, हॉबीज क्या है वगैरह, उसके बारे में लिखेंगे। नॉर्मल जो उसका स्टेटस है वो, इकोनॉमिकल, फैमिली में कितने मेंबर है, कौन कौन अर्निंग करता है फैमिली में, ठीक है, क्या अर्निंग है, हाउस कैसा है उसका, पक्का है कच्चा है, ठीक है, इस तरीके से क्या आपको नॉर्मल इकोनॉमिक स्टेटस लिखना है। इसके बाद हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री आएगी, जिसके अंदर आपको सीरियल नंबर, ठीक है, पेशेंट कितने मेंबर है उसके अकॉर्डिंग सीरियल नंबर लिखने हैं, फैमिली मेंबर कितने हैं, रिलेशन विद पेशेंट, पेशेंट के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है, क्या रिलेशन है वो हमको इसके अंदर मेंशन करना है। इसके बाद एज, क्या एज है, सेक्स क्या है, ठीक है, एजुकेशन क्या है, हेल्थ स्टेटस, हेल्थ स्टेटस में हम लिखेंगे हेल्दी है या फिर अनहेल्दी है। जैसे कि पेशेंट हो गया, पेशेंट का स्वयं का आएगा तो पेशेंट है, ठीक है, उसका यहाँ पे अनहेल्दी आएगा, ठीक है, पेशेंट का। और यदि फैमिली में और भी कोई मेंबर अनहेल्दी है या फिर बीमार है तो उसके बारे में भी हम अनहेल्दी लिखेंगे। तो इस तरीके से आपका क्या है, फैमिली ट्री, सॉरी फैमिली हिस्ट्री होती है। इसके बाद फैमिली ट्री, फैमिली ट्री में बात करेंगे, जैसे कि आपको पूरा सेम टू सेम, कोई चेंजेस नहीं करने, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं कि ये जो सिस्टम होता है उसको ही उल्टा सीधा बना देते हैं। इस तरीके से आपको कोई गलती नहीं करनी। जैसे कि ये बॉक्स दिख रहा है वो मेल का हो गया, ठीक है, जो सर्कल हो गया वो फीमेल हो गया। यदि बॉक्स या फिर सर्कल में कोई लाइनिंग खिंची हुई, ठीक है, बहुत सारी, तो उसको हम कहेंगे पेशेंट शो करते हैं, ठीक है। इसके बाद सिंगल लाइन होगी तो उसको डेथ शो करते हैं। तो इस तरीके से क्या हमारा फैमिली ट्री बनता है। फिजिकल एग्जामिनेशन, आपको हेड टू टो फिजिकल एग्जामिनेशन करना है पेशेंट का, ठीक है, जिसके उसका ग्रूमिंग से लेके सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद वाइटल साइन आपको मेंशन करने हैं, TPRBP, ठीक है, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन एंड पल्स, ये चारों चीजें आपको, नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, ठीक है, और पेशेंट की वैल्यू क्या है वो लिखनी है। इस तरीके से आपको बनाना है। इसके बाद मेडिकेशन चार्ट, मेडिकेशन चार्ट क्या होता है, जो पेशेंट की अभी वर्तमान में जो मेडिकेशन चल रही है हॉस्पिटल में वो आपको मेंशन करनी है, ठीक है, और कितने डोज में चल रही है वो भी आपको अंदर मेंशन करनी है। सारी डीजे जो ड्रग्स होगी उसके नाम आपको लिखने हैं। डायबिटीज मलाइटस में जेम्बर V1 जो टेबलेट होती है, ऐसे कुछ होती है ब्रांडेड नेम वो देते हैं, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब बात करते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस की। अब नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या करोगे आप, दो से तीन बना सकते हो, ठीक है। सबसे पहला है फ्लूइड वॉल्यूम, क्योंकि पानी ज्यादा पिएगा, ठीक है, ज्यादा खाएगा, ज्यादा पानी पिएगा, ज्यादा जो यूरिन करेगा तो उससे क्या है फ्लूइड वॉल्यूम में इम्बेलेंस होगा, ठीक है, उसकी वजह से क्या इंटेक आउटपुट चार्ट डैमेज होगा, ठीक है, खराब होगा। तो इसके अंदर हमारा डायग्नोसिस बनेगा फ्लूइड
वॉल्यूम इम्बेलेंस रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन एज एविडेंस बाय इनटेक आउटपुट चार्ट। हम किससे एविडेंस करेंगे? इनटेक आउटपुट चार्ट से, ठीक है। सेकेंड है न्यूट्रिशन इम्बेलेंस रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन एज एविडेंस बाय बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। इससे हम क्या है बीएमआई जो न्यूट्रिशन जो इम्बेलेंस होगा उसको हम निकालते हैं। अब हमारा मेन आ गया नर्सिंग केयर प्लान फॉर डायबिटीज मलाइटस। तो इसमें हम बात करेंगे, सबसे पहला होगा हमारा नर्सिंग असिस्मेंट, जिसके अंदर सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा हम मेंशन करेंगे। सब्जेक्टिव डाटा वो होते हैं जो पेशेंट स्वयं बोलता है, ठीक है। जैसे कि पेशेंट से डेट ही या फिर शी हैव वीकनेस एंड फटीग, ठीक है। इसके अंदर आपको लिखना है पेशेंट ही या शी जो भी हैव वीकनेस एंड फटीग, ये आपको अंदर सब्जेक्टिव डाटा में मेंशन करना है, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा क्या होते हैं जो हम ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि वी ऑब्जर्व्ड पेशेंट कंडीशन एज एविडेंस बाय इनटेक आउटपुट चार्ट, ठीक है। जो आपका जो एविडेंस होगा वो आपको इनटेक आउटपुट चार्ट आपको यहाँ से देखकर लिखना है, ठीक है। एविडेंस क्या से कहाँ से आपने किया वो आपको यहाँ से देख के लिखना है। इसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस जो होगा हमारा फ्लूड वॉल्यूम इम्बेलेंस रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन एज एविडेंस बाय इनटेक आउटपुट चार्ट, जो आपका जो फर्स्ट वाला है पूरा का पूरा उठा के आपको इधर लिख देना है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं करने हैं। अब बात करते हैं हम गोल की, टू मेंटेन फ्लूड वॉल्यूम। अब हम क्या गोल हमारा क्या रहेगा, जो फ्लूड वॉल्यूम जो होगा वो हमारा क्या एम्बुलेंस हुआ है तो हम उसको मेंटेन करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट गोल हुआ। तो इसके बाद हम इसके अंदर प्लानिंग क्या करेंगे, सबसे पहले होगा असिस्ट द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, ठीक है। सबसे पहले असिस्ट द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, चेक द वाइटल साइन को चेक करेंगे, ठीक है। गिव द फ्लूड थेरेपी आईवी लाइन, ठीक है, आईवी लाइन के थ्रू हम क्या है फ्लूड थेरेपी देंगे। एंड प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजिशन, और हम पेशेंट को क्या है कंफर्टेबल पोजिशन प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पे रेशनल इसलिए नहीं लिखा गया है क्योंकि रेशनल अभी जो लेटेस्ट जो अपडेट है नर्सिंग केयर प्लान में उसके अंदर रेशनल इंक्लूडेड नहीं है, तो इसलिए हमने भी यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं किया है, वैसे इंपॉर्टेंट है भी नहीं, ठीक है। तो हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे, असिस्ट यहाँ पे थर्ड फॉर्म लग जाएगी, ठीक है, वर्ब की, असिस्ट द पेशेंट कंडीशन ऑफ द पेशेंट, ठीक है, इस तरीके से। चेक की जगह चेक्ड द वाइटल साइन, गिवन फ्लूड थेरेपी, यहाँ पे हमने उसको थेरेपी दे दी है, ठीक है। इसके बाद प्रोवाइडेड कंफर्टेबल पोजीशन, और हमने उसको कंफर्टेबल पोजीशन भी प्रोवाइड करा दी है। तो इस तरीके से क्या है इम्प्लीमेंटेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। हमको मेनली फोकस करना है प्लानिंग पे, यदि आपकी प्लानिंग सही होगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका इम्प्लीमेंटेशन भी सही होगा। अब इवोल्यूशन की बात करें तो गोल इज अचीव्ड, पेशेंट फील वेल एंड फुलफिल, ठीक है, इस तरीके से आपका जो इवोल्यूशन भी कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपको ये समझ में आ गया तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या फिर इसकी जो पीडीएफ है आपको नीचे लिंक मिल जाएगी, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। उस पीडीएफ के अंदर आपको 5 से 6 नर्सिंग केयर प्लान मिलेंगे, ठीक है, मिल जाएंगे, जिसके अंदर पेन हो गया, फीवर हो गया, इस तरीके से, और हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कोविड पेशेंट के जो होंगे वो आपको उसके अंदर नर्सिंग केयर प्लान मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाते हैं डायबिटीज मलाइटस पेशेंट के ऊपर, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। इसी तरीके से हमारा जो चैनल पे है वीडियो सभी नर्सिंग केयर प्लान की आपको समझ में आ जाए ऐसे वीडियो अवेलेबल है। थैंक यू।